अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो शीप फार्मिंग से आप कितना अर्न कर सकते हो एक साल में, इसके ऊपर होने वाला है। देखिए, शीप फार्मिंग जो है एक अच्छा बिज़नेस आप मान सकते हैं, इसे अर्न करने का, प्रॉफिट का एक अच्छा खासा ज़रिया है। इसकी जो प्रॉफिट है वो फिक्स्ड नहीं है एक साल में। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास शीप्स की ईव्स की कितनी क्वांटिटी है या वो कितनी लैमिंग करती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं एक एग्जांपल दूंगा आप, मतलब एक एग्जांपल दूंगा आपको कि आप कितना कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझ जाएंगे आराम से। मान लीजिए कि आपके पास 10 ईव्स है, 10 ईव्स जो है उन्होंने 10 लैम्स दिए एक साल में। एक साल में वो, मतलब आप मान लीजिए कि एक लैम्ब करीबन, अगर नॉर्मल लैम्ब रहेगा तो कम से कम 10,000 उसको उसमें जो है प्रॉफिट आ जाएगा आराम से। तो इस हिसाब से, मतलब मान लीजिए कि 10 ईव्स जो है उन्होंने आपको करीबन 1,00,000 रुपए जो है प्रॉफिट के तौर पे दिया, ना कि खर्च। मतलब मान लीजिए कि एक लैम जो है, एक वो करीबन आपने 15,000 में बेचा, उसकी जो कॉस्ट आएगी, मतलब खर्चा आएगा, वो 5,000 ही आ जाएगा उसमें। तो उस हिसाब से जो 10,000 है उसका, वो प्रॉफिट के तौर पर आपको मिलता है। वैसे ही अगर आपके पास उससे अच्छी क्वालिटी की जो है ईव्स हैं, मतलब जिन्होंने अच्छा खासा, अच्छे खासे जो है लैम्ब ड्रॉप किए, हाइब्रिड मेरिनो लैम्ब, लॉन्ग टेलर्ड वगैरह, उनसे जो है खर्चा मतलब सेम आ जाएगा उनमें, लेकिन प्रॉफिट जो है वेरी हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट यानी कि दुगना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। इसी पे जो है डिपेंड करता है शीप्स में कितना प्रॉफिट आप एक साल में कमा सकते हो। तो मान लीजिए कि नॉर्मल ईव्स जो है आपको करीबन एक साल में करीबन करीबन 1,00,000 से ऊपर, मतलब मिनिमम 1,00,000 रुपए प्रॉफिट के तौर पर देती है। और जो हाइब्रिड ईव्स है, मैं करीबन 10 ईव्स की बात करता हूँ, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ 10 लैम्स देती, तो मतलब एक साल में 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं एक ही बच्चे को इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसमें। तो हाइब्रिड जो है वो आपको 2 से 3,00,000 का आपको प्रॉफिट के तौर पर दे सकती है एक साल में। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा, मतलब कौन सी ब्रीड पालना पसंद करते हो, हाइब्रिड, नॉर्मल या फिर जो भी आपको पसंद है। मेरी सजेशन ये है कि अगर आप पालना चाहोगे तो हाइब्रिड ही पालो, उनमें जो है खर्चा मतलब सेम ही आ जाता है, थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है, थोड़ा बहुत इंक्रीज खर्चे में जो हो जाता है, वरना खर्चा जो है सेम आता है, लेकिन प्रॉफिट जो है दुगना या 3 गुना भी आ सकता है उनमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।